यूक्रेन में कोरोना महामारी के चलते 31 दिसंबर तक लॉकडाउन लगा है। वहीं यूक्रेन में भारत के छात्र पढ़ाई छोड़कर भारत लौटने लगे हैं। दो बार यूक्रेन में अपनी वापसी की गुहार लगा चुकी रतिया की छात्रा सुमन अरोड़ा का नाम भारत वापसी में न आने से परेशान हो चुकी थी। उसी दौरान सुमन अरोड़ा के पिता सुखचरण अरोड़ा ने सांसद सुनीता दुग्गल से अपनी बेटी को भारत वापस लाने की गुहार लगाई। इसके बाद सांसद ने यूक्रेन में छात्रा सुमन से बात की और जल्द वापस लाने का आश्वासन दिया। इसके बाद सांसद की ओर से सुमन को वापस लाने के लिए प्रयास शुरू करवा दिए गए हैं, जिसके चलते वे आज अपने घर पहुंच पाई। सुमन ने घर वापसी पर सांसद सुनीता दुग्गल का धन्यवाद भी किया। सुनीता दुग्गल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने यूक्रेन से भारत लाने में मेरी बहुत मदद की है। अगर वो मुझे यूक्रेन से भारत नहीं बुलाती तो पता नहीं मैं कब आती इस कोरोना महामारी के बीच, क्योंकि वहाँ पर लॉकडाउन था और फ्लाइट्स में मेरी सीट नहीं थी। इस वजह से मैंने उनको संपर्क किया, मेरे पेरेंट्स ने उनको संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत प्रयास किया और मुझे यूक्रेन से भारत लाने में हेल्प करी। आज मैं भारत आ चुकी हूँ सिर्फ और सिर्फ सुनीता दुग्गल मैम की वजह से। थैंक यू सो मच मैम। कितने लॉकडाउन कितनी तारीख तक है वहाँ पे? 31 दिसंबर तक लॉकडाउन है वहाँ पर, और अशोक अंकल और भारत सरकार की वजह से आज मैं भारत आ चुकी हूँ। ये बताएं कि वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ। ये बहन जी हैं सुनीता दुग्गल जी, हमारे MP हैं जी। तो हम वहाँ पे लड़की ने वहाँ पे दो बार अप्लाई किया था जी, तो दोनों बार उसका नंबर नहीं आया जी। तो हमने बहन जी से संपर्क किया तो बहन जी ने विदेश मंत्री से बात की, तो उनके प्रयास से ही ये लड़की हमारे घर आई। तो आज आप मैडम से मिले हो? हाँ जी, हमने मैडम का शुक्रिया अदा किया जी। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि सुमन के परिजनों ने फोन पर उनसे संपर्क किया था, जिसके बाद उन्होंने विदेश मंत्री को पत्र लिखा और फोन पर बात करके सुमन को भारत लाने के लिए बातचीत की थी। देखिए ऐसा कि जब मेरे पास इनका फोन आया तो ये बहुत बुरी तरह से रो रही थी और कह रही थी कि भी मुझे किसी भी तरह से जो है वापस आना है इंडिया में, और मैं यहाँ यूक्रेन में हूँ और यहाँ पर जो है अभी मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सब जा चुके हैं और मेरा जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं है और कल फ्लाइट जाने वाली है शाम तक, तो अगर आप नहीं कुछ कर पाओगे तो फिर मैं पता नहीं कितने दिन तक यहाँ पर फंस जाऊँगी। तो उसके बाद मैंने हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनको मैंने लेटर भी लिखा और जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे मैंने बात भी करी, मंत्री जी से भी, और इसके बाद जो है इनको तुरंत प्रभाव से जो है वो एयर इंडिया वालों ने वहाँ से उनको मैसेज किया और मैसेज के साथ साथ इनकी टिकट भी फाइनल हो गई और ये वापस आ गई और बहुत खुश है और मुझे भी बहुत खुशी है कि हमारी बेटी जो है वो वापस आ। 3 जून को घर लौटने के बाद सुमन 14 दिन क्वारंटाइन रही। सभी रिपोर्ट सही आने पर ही उन्होंने सांसद का धन्यवाद किया। भारत 9 के लिए रतिया से रवि गोयल की रिपोर्ट।